को जो है नहीं पता होती, लोग दो बार पूछ रहे हैं व्हाट इज आरसी आरसी, तो तीरंदाजी बेसिकली। तो तीरंदाजी में पाकिस्तान में इवॉल्विंग है अभी, रेंज से क्या मतलब है, रेंज शूटिंग एरिया जहाँ पर हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आर्ची, तो वहाँ पर हमारे पास ये होता है कि रेंज वहाँ पर प्रैक्टिस हमारी कैंप लगा हुआ था, और हमने वो मतलब पहली बार था, मैंने यूनिवर्सिटी में आर्ची यूनिवर्सिटी में बड़ा एरिया पहली बार यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर लिया था उस कैंप को और उस रेंज को ढूंढते ढूंढते। उसने भी बोला हुआ था मुझे भी ज्वाइन करना है, तो वही इंतजार में एक साल गुजर गया कि दोस्त के साथ ही जाएंगे। बाद में माइंड चेंज हो गया फ्रेंड का, मैं मुझे करना था सोच लिया था करना, तो एक साल के बाद मैंने उस कैंप के बाद आर्ची में अपना जो क्लब है वो ऑफिशियली ज्वाइन किया। पूरी दुनिया में बात की जाए तो अभी जो सबसे बेस्ट आर्चर्स जो है वो हमारे पास कोरिया के फिर आता है इंडिया के बेस्ट आर्चर्स यहाँ हैं तुर्की, ये सारे वर्ल्ड टॉप आर्चर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको इस खेल में कितनी ज्यादा हेल्प की? किसी ने कहा फैमिली में, खानदान में, क्या कर रही हो भाई, रॉबिन हुड बनने की क्या जरूरत है, ये हमारी बेटी रॉबिन हुड है, ठीक है भाई रॉबिन हुड है भाई जी। फैमिली में हमेशा से फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आज मेरी इस पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं वो दरअसल मेरी स्टूडेंट तो हैं, ये तो ठीक है, मगर उस स्टूडेंट ने जो कारनामे अंजाम दिए ना, लिटरली पूरे पाकिस्तान के हवाले से जो बात बड़ी कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से अगर निकाले जाएँ तो गिनती के चंद लोग बनेंगे, गिनती के चंद लोग के जिन्होंने ये काम किया। तो आज मेरा सर फख्र से बुलंद है क्योंकि आज मेरी बेटी ने, वो बेटी मेरे पास मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तैयबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप माशाल्लाह से खैरियत से हैं। तो हमारे जितने बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, आप अपना जर्नी, आप अपना स्पोर्ट्स, आप अपनी अचीवमेंट्स हम सबको बड़ी डिटेल से बताइए, कैसे मिला कर। अच्छा, मैं जो है एथलीट हूँ और नेशनल लेवल पे भी खेला है और इंटरनेशनल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। एथलेटिक्स में बेसिकली आई एम आर्चर, रिकर्व आर्चर। आर्चरी बहुत सारे लोगों को जो है नहीं पता होती, लोग दो बार पूछ रहे हैं व्हाट इज आर्चरी आर्चरी, तो तीरंदाजी बेसिकली। तो तीरंदाजी में पाकिस्तान में इवॉल्विंग है अभी, मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई तो यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई, जब फर्स्ट ईयर में थी मैं, वहाँ पे एक कैंप लगा था और मुझे आर्ची का सिर्फ नाम पता था लेकिन ये नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी में भी हमारी होती है। उसके बाद जब कैंप लगा, कैंप में अटेंड किया, वो फर्स्ट टाइम था जब रेंज नहीं मिली मुझे, फर्स्ट टाइम था मैं पूरी यूनिवर्सिटी हम लोग घूमे थे मेरी एक फ्रेंड के साथ में। ओके, थोड़ा सा बताएं रेंज से क्या मतलब है। रेंज शूटिंग एरिया जहाँ पर हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आर्ची, तो वहाँ पर हमारे पास ये होता है कि रेंज वहाँ पर प्रैक्टिस हमारी कैंप लगा हुआ था, और हमने वो मतलब पहली बार था, मैंने यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी इतने बड़ा एरिया पहली बार यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर लिया था उस कैंप को और उस रेंज को ढूंढते ढूंढते। अटेंड किया कैंप, नहीं पता था, बहुत इंटरेस्टिंग लगा सब कुछ। अटेंड करने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई हैव टू गो इनटू इट, लेकिन दोस्त ने भी बोला हुआ था मुझे भी ज्वाइन करना है, तो वही इंतज़ार में एक साल गुजर गया कि दोस्त के साथ ही जाएंगे। बाद में माइंड चेंज हो गया फ्रेंड का, मैं मुझे करना था सोच लिया था करना है, तो एक साल के बाद मैंने उस कैंप के बाद आर्ची में अपना जो क्लब है वो ऑफिशियली ज्वाइन किया। ऑफिशियली क्लब ज्वाइन करने के बाद मैंने, अच्छा आर्ची का मैं बेसिक बता दूँ, आर्ची हमारे पास होती है तीन टाइप्स की, एक होती है ट्रेडिशनल आर्ची, सेकंड जो हमारे जो पुराने दोनों में खेली नॉर्मली जाते थे और अभी वो काफ़ी कंट्रीज में खेली जाती है, स्पेशली तुर्की में
बहुत खेली वो एक कल्चर एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। हाँ उसके बाद फिर हमारी आती है कंपाउंड आर्ची। कंपाउंड बहुत पाकिस्तान में मुश्किल से आपको 5 कंपाउंड आर्चर मिलेंगे, बहुत मुश्किल से। उसमें जो आपकी बो होती है, जो आपकी कमान, जो कमान है जिसे आप तीर से, कमान वो थोड़ी मैकेनिकल होती है और व्हील्स पे बेस करती है, तो वो उसके आर्चर हमारे पाकिस्तान में अब तक नहीं है। मुश्किल से मैंने आपको बताया 5 मिलेंगे, और उन 5 में हमारी बेटी शामिल नहीं, अभी शामिल नहीं हुई, आने वाले वक्तों में प्लान है कि इंशाल्लाह उस पर काम करें और इस चीज में शामिल करें, है ना, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा फिर आता है रिकर्व, जिससे मैं खुद बिलोंग करती हूँ, रिकर्व आर्चरी। रिकर्व आर्चरी वो है जो कि ओलंपिक्स फॉलो करता है, ओके, और जो मेनली पूरे वर्ल्ड में ज्यादा हाईलाइटेड है वो भी रिकर्व आर्चरी है। तो मैं भी रिकर्व आर्चरी खेलती हूँ। रिकर्व वो इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि उसके जो बो होती है उस वो से जो है लेंस होते हैं वो कर्व होते हैं। अच्छा तो वही है। बाकी पूरी दुनिया में बात की जाए तो अभी जो सबसे बेस्ट आर्चर्स जो हैं वो हमारे पास कोरिया, कोरिया के, कोरिया के, ओके। फिर आता है इंडिया, इंडिया के बेस्ट आर्चर्स हैं तुर्की, ये सारे वर्ल्ड टॉप आर्चर्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान में हमारे यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छे आर्चर्स हैं, जो मेरे खुद कोच हैं वो इंटरनेशनल आर्ची में मेडल्स भी हैं उनके पास। और उसके बाद बस जो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है आर्ची, क्योंकि एज यू नो के बहुत कम लोगों को पता है और इसके फाइनेंसिस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फाइनेंसिस की वजह से बहुत सारे लोग बैक ऑफ कर जाते हैं। राइट। अच्छा एक और चीज़ भी है जो मैंने फील किया भी आपकी बात में, कि आर्चरी एक ऐसा स्पोर्ट्स है, एक ऐसा खेल है कि जिसमें अभी तक पाकिस्तान में उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी या पाकिस्तान में उसके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुश्किल पेश आती हैं। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द फाइनेंस, इफ़ यू टॉक अबाउट द फंडिंग, इफ़ यू टॉक अबाउट द मशीनरी विच यू रिक्वायर टू डू टू फॉलो दैट गेम, तो वो अभी हमें हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। इन तमाम तर मुश्किल के बावजूद भी माशाल्लाह से आपने अपने इस छोटे से ड्यूरेशन में एक सिल के लेवल पर अगर कहा जाए तो माशाल्लाह से आपने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, और मैं आपको आपकी तमाम दर कामयाबियों पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसमें मुझे चंद बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस पूछ लूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि इनके पास टाइम बड़ा कीमती होगा और कम होगा, तो मैं वो क्वेश्चंस पूछ लूँ जिसमें बच्चों का बहुत बड़ा फायदा हो जाए। आपके पेरेंट्स ने आपको इस खेल में कितनी ज़्यादा हेल्प की? किसी ने कहा फैमिली में, खानदान में, क्या कर रही हो भाई, रॉबिन हुड बनने की क्या जरूरत है, ये हमारी बेटी रॉबिन हुड है, ठीक है भाई, रॉबिन हुड है हमारी, जी। फैमिली में हमेशा से फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। जब मैंने उन्हें बताया, स्टार्ट जब मैंने की थी तो मैंने शायद अपनी क्लब की फीस भी पे कर दी थी और फैमिली में शायद नहीं बताया, ये तो खतरनाक बात है। लेकिन पेरेंट्स मुझे पता है कि सपोर्ट करेंगे, सब सब बच्चों को अपना पता होता है कि पेरेंट्स की क्या लिमिटेशंस हैं, right. तो वो पता था कि मना नहीं करेंगे और क्लब ज्वाइन कर लिया था। फिर इन्होंने भी सपोर्ट सबको की, इस पेरेंट्स ने, मदर फादर जो सिबलिंग्स सब ने। और उसके बाद फिर जब आफ्टर 1 ईयर जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे हाँ आगे कंटिन्यू करना है और प्रोफेशनल लेवल तक जाना है, और उसके बाद फिर जब मेरी आई प्रोफेशनल वो खरीदने की बारी, तो उस पर भी मेरे फादर का जो है उन्होंने फंडिंग की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखो जो मैं सीख सका उनकी बातों से वो तो ये कि देखो पेरेंट्स तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, बच्चे समझते हैं कि तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें, हाँ भाई किसी हद तक है, मगर हर लम्हे अपने बच्चे के साथ खड़े रहना, हर लम्हे अपने बच्चे के साथ आगे बढ़ने में उसको सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। फाइनेंस इज अ सिंगल मैटर, बट इफ योर फादर योर मदर इज जस्ट स्टैंडिंग जस्ट विथ यू एट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी नेमत है और बहुत हिम्मत की बात है वालदैन की तरफ के हवाले से, क्योंकि इतनी ज्यादा टफेस्ट मोमेंट्स में भी अपने बच्चों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश करते हैं और उनके साथ आगे खड़े होते हैं, क्योंकि आकर खड़े कोई नहीं होता, फाइनेंशियली कोई फंडिंग कर देता है, सपोर्ट कर देता है, दैट्स इट, वो एहसान जताता रहता है पूरी जिंदगी,
बट ओनली द पेरेंट्स कैन डू दिस एंड इफ योर पेरेंट्स आर डूइंग दिस मैं कहता हूँ माशाल्लाह से बेहतरीन लोग हैं जो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे बेटे मुझे बताओ कि अपनी एजुकेशन और अपने स्पोर्ट्स में बैलेंस कैसे रखा है? स्पोर्ट्स और मैंने एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइजिंग किया, स्पोर्ट्स में ये होता है कि कम ज़्यादा हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज लिमिट रखिए कि कॉम्प्रोमाइजिंग करना है, लेकिन जहाँ तक ज़रूरत है आर्ची को वहाँ तक उसकी ज़रूरत को पूरा करना है। जब कॉम्पिटिशन वगैरह आते हैं तो उसमें ये होता है कि 3 मंथ्स पैसे आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है और विदाउट सिंगल वेस्टिंग अ सिंगल डे आपको उस पर टाइम देना है। जो रिक्वायर्ड टाइम है 3 to 4 hours पर डे आर्ची आपको 400 एयरोस शूट करना है। तो जब एक मेगा इवेंट आ रहा होता है तो उसमें ये है कि अलर्ट हो, टाइम देना है। फिर आपको यह है कि अपना टाइम बनाएं, निकालें हर चीज़ के लिए। जब आपके पास पैशन होता है तो ऑब्वियस बात है आपको खुद निकाल लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम हम सोशल मीडिया पे यूज करते हैं। अगर वही टाइम हम अच्छी और सही चीज पे और फिर मुझे भी गुफ्तगू हो रही थी हमारी अपनी बेटी से, तो उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात सिखाई कि सर बाकायदा तीर अंदाजी का हवाला तो हदीस में भी है। मतलब अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इसकी बड़ी सपोर्ट मिल जाती है। तीर अंदाजी एक बेहतरीन खेल के तौर पे देखा गया है, इवन वो जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है उसमें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो वेस्ट में क्या होता है क्या नहीं वो एक अलग बहस है, बट द थिंग इज कि हम अगर मजहबी पहलू को देखें तो इसमें भी हमें इस हवाले से बड़ी जो है ना वो अच्छी हिदायात भी मिल जाती हैं और जो उस दौर के रहने वाले लोग थे उनकी हमें तजुर्बा से सीखने का मौका भी मिलता है। तो दैट्स वेरी नाइस। अच्छा अब एक तो ये बात हो गई कि भाई हमारा बैलेंस स्टडी में जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, हम अपने स्पोर्ट्स को माशाल्लाह से लेकर चल रहे हैं। व्हाट यू प्लान फॉर फ्यूचर? अब आपका प्लान क्या है? मेरे फ्यूचर में अभी तक मैंने नेशनल लेवल पे अचीवमेंट्स नहीं है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर। ये ऐसे बता रही है जैसे घर से निकली और एक पौधे लेकर आ गई। भाई नेशनल लेवल पर अचीवमेंट्स आर्चरी में लेकर आना ही बहुत कमाल की बात है। मैं बार बार कहूंगा कि भाई हजारों लाखों करोड़ों लोगों में से चंद गिनती के लोग निकल कर आते हैं जो ये काम करके दिखाते हैं। माशाल्लाह तो फखर की बात है कि हमारी बेटी इस लेवल पर मौजूद है कि हजारों लाखों करोड़ों में ये वो एक है जिसने ये काम करके दिखाया। तो ये भाई ये वो बच्चों वाला खेल नहीं है कि आप बोलोगे नेशनल में मैंने कुछ कर लिया, वो भाई बहुत बड़ा काम किया आपने, ग्रेट है आप माशाल्लाह से। तो नेशनल अचीवमेंट्स आपकी माशाल्लाह से हो गई है ना, अब मजीद क्या प्लान है? इन फ्यूचर और रिप्रेजेंट करने का सोचा हुआ है नेशनल लेवल पर और डिफरेंट कंपनीज और जगह। बाकी अब इस ईयर का मेरा प्लान है वो है इंटरनेशनल लेवल पर जाने का, क्योंकि जब आप एक फील्ड में इंटर होते हैं ना, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो आई वॉन्ट कि मैं उसकी पीक्स को जितनी कोशिश हो सकती है मैं उसकी पीक पर जा सकूँ। और मेरा यही था आपकी सक्सेस की उस पर पहुंचने के बाद महसूस होता है कि भाई हमारी बेटी तैयबा वो है कि जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में आर्चरी की फील्ड में मशहूर कर दिया। और एक वक्त आएगा यार कि जब हम देखेंगे हमारी बेटी माशाल्लाह से ओलंपिक्स में और वो वहां पे आर्चरी के कॉम्पिटिशन में मौजूद है और जीत के आती है, तो हम इंशाल्लाह फिर और जबरदस्त सेलिब्रेशन करेंगे। बट अभी प्लान ये है कि भाई हम इंटरनेशनल इवेंट्स में जा रहे हैं इंशाल्लाह। 2024 वो साल है जिसमें हम आपको इंटरनेशनल इवेंट्स में इंशाल्लाह देखने का इंशाल्लाह। तो मेरी बहुत बहुत दुआएं अपनी बेटी के लिए। एक मैसेज है तमाम तर बेटियों को कि मेरे प्यारे बच्चों और तमाम तर बच्चों को भी कि जो परेशान हो जाते हैं कि भाई हम अब क्या करें, अल्लाह ने आपको जो सलाहियत दी है यार अपनी सलाहियत को पहचाने, अपनी सलाहियत को अपने अंदर से खोज कर निकालें कि आप किस चीज़ के काबिल हैं, और जो सलाहियत अल्लाह ने दी है उस सलाहियत को इस्तेमाल करें और अपना अपने घर वालों का अपने मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करें। कोई मैसेज तैयबा आपकी जानिब से हमारे बच्चों? अपनी लाइफ में एक इस तरह की हॉबी और इस तरह की चीज़ें रखें जो कि आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए लाइफ में। बिल्कुल एक फिजिकल एक्टिविटी और जो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन दे, आपकी जो है मेंटल स्टेट को एक अच्छे तरीके से आपको जो इन्वायरमेंट की तरफ से स्ट्रेस है उसको बैलेंस करने में हेल्प करें। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो देयर आर सो मैनी इन्वायरमेंट की तरफ से प्रेशर आ, उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक हेल्दी एक्टिविटी चाहिए होती है, और वो कुछ भी
सर कह रहे हैं अपने सर ने कहा कि अपने एक्सप्लोर करें जो है अपने पैशन को देखें अपने जो है देखें तो वो पैशन जो है आपको मिलता है ट्राई करने से ट्राई डिफरेंट थिंग तो दिस इज मैसेज फॉर यू माशाल्लाह माशाल्लाह मुकम्मल और बड़ा ही जबरदस्त मैसेज कि भाई फाइंड आउट योरसेल्फ दैट हु यू आर एंड जस्ट एक्सप्लोर एंड जस्ट डू व्हाट यू कैन डू योर बेस्ट ठीक है जी बहुत शुक्रिया मैं आपको एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ आपकी तमाम तर कामयाबियों पर और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको और खूब से खूब कामयाबियाँ दे हम इंशाल्लाह आपको टीवी की स्क्रीन पर देखेंगे कि हमारी बेटी ने जनाब ओलंपिक्स में माशाल्लाह से गोल्ड मेडल आने वाले वक्त में हासिल किए बहुत बहुत दुआएं इस छोटे से इंटरव्यू से बस मैंने ये मैसेज करने आप लोगों को करना चाहा कि यार जस्ट मूव ऑन अपना बेस्ट करें जिंदगी में और टेंशन को लेना छोड़ दें कि ये हो रहा है वो हो रहा है सबके साथ होता है भाई सबके साथ होता है इनके घर में भी लाइट जाती है इनके घर में भी गैस नहीं आ रही सबके साथ मसला नहीं तो डिफेंस में भी सब हो रहा है सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट जस्ट फॉलो योर ट्रैक फॉलो योर पैशन एंड जस्ट डू योर बेस्ट सर